चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ml दूध, जिसमें से थोड़ा सा दूध मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। एक बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, 3 बड़े चम्मच शक्कर, अनार के दाने, बारीक कटा बादाम, ब्लांच किए हुए पिस्ता और किशमिश। बाकी फ्रूट्स में मैंने लिया है सेब, नाशपाती और केला। फ्रेंड्स, इसमें केला, सेब और अनार ज़रूर डालें। बाकी फ्रूट्स आप अपने चॉइस के कोई भी डाल सकते हो। चलिए हम फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सॉस पैन में दूध डालें और इसे बॉईल आने दें। इसी समय इसमें शक्कर भी डाल दें। ये जो कस्टर्ड था, इसमें जो हमने थोड़ा सा दूध अलग निकाला था, उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में कोई भी लम्स ना रहे, ये बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मेरा दूध भी उबल चुका था। अब मैंने इसमें तैयार कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल दिया है। अब हम अपनी फ्लेम को लो करेंगे और इसे लो फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए आप गाढ़ा होने तक पकाएं। फ्रेंड्स, आप इसे भूल से भी हाई फ्लेम पे ना पकाएं, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर आपके बर्तन के तले में लग जाएगा और आपके दूध में जले हुए की महक आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। आपको भी इसे इतना ही गाढ़ा करना है। जब आप कड़छी से इसे गिराएं तो कड़छी के पीछे एक पतली सी दूध की कोटिंग हो जानी चाहिए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इसे हमें रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। इसमें तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और मेरा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने सेब और नाशपाती को बारीक काट लिया है, केले को भी मैंने छील के काट लिया है, ये अनार के दाने, बारीक कटा बादाम, ब्लांच किए हुए पिस्ता और किशमिश हैं, पिस्ते को भी मैंने बारीक काट लिया है। चलिए अब हम फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करेंगे। इसमें मैं कटे हुए सेब और नाशपाती डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा सेब और आधी नाशपाती काटी थी। इसी तरीके से हम बारी बारी करके सारे फ्रूट्स इसमें डाल देंगे और इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में हमारे फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अब हम इसे कटे हुए बादाम, पिस्ते और किशमिश से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रूट कस्टर्ड को गार्निश कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे आप अच्छे से 2 से 3 घंटे ठंडा करें, जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हो चुके थे, मेरा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। इसी तरीके से आप भी फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।